तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हो यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट, अगर आप लोग के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक पे मैंने कब पहले भी वीडियो बनाए थे, आप हमारी चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं जिससे काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आप लोग यहां से कमेंट में देख सकते हो। अगर आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को ध्यान से देखना और उसे फॉलो करना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है व्हाट्सएप सपोर्ट, ये आप गूगल क्रोम या फिर कोई सा भी ब्राउज़र मैं जा कर के सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ऊपर में क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि आप लोग यहाँ से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप इंडिया व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, तो आप लोग यहाँ से नीचे में देख सकते हो संपर्क करें, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही इंटर करना है। तो आप लोगों को क्या इंटर करना है वो आप लोग को यहाँ से मैं बता देता हूँ। आपके जिस भी मोबाइल नंबर में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप लोग को इंटर कर देना है। तो इंटर करने के बाद यहाँ से आप लोग को अपनी ईमेल आईडी को इंटर करना जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी रहती है जिससे आप यूज करते हो, ईमेल आईडी को इंटर कर देना। उसके बाद आपको डिवाइस चूज करना है कि आप किस में अपने व्हाट्सएप का यूज कर रहे थे। तो यहाँ से मैं एंड्रॉयड में कर रहा था, तो आप लोग को एंड्रॉयड के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जो मेन पॉइंट आता है वो आप लोग यहाँ से नीचे में देख सकते हो, क्या आपको यहाँ पर टाइप करना है वो आप लोग यहाँ से आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से कुछ भी गलत टाइप करते हो तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। आपको यहाँ से अगला स्टेप के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोग को सवाल भेजे के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इसमें क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो आप लोग को यहाँ से एक दिन में दो तीन बार ट्राई नहीं करना है।